Good morning, my dear students. Today we are going to discuss the topic ascending order and descending order. So first we discuss the ascending order. Ascending order को हिंदी में लोग बोलते हैं बढ़ते क्रम में. This definition: if we write the given number from smallest to greatest, then the order is called ascending order. Means, जब भी हम दिए हुए संख्या को या नंबर को हम जब छोटे से बड़े के ऑर्डर में या क्रम में लिखते हैं, तो उस ऑर्डर में हम ascending order कहेंगे. Okay? जब भी हम किसी भी संख्या को छोटे से बड़े में लिखेंगे, मींस सपोज दैट हमारे पास कोई नंबर है 4, 3, 2, और हम उसको सबसे पहले सबसे छोटा संख्या उसमें से लिख देंगे. लाइक 2 को पहले लिख दिए, अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है बड़ा 3 को लिख दिए, और उसके बाद उससे बड़ा क्या है 4, और 4 को लिख दिए. तो ये जो ऑर्डर बनेगा वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा. ओके, हम एक डायग्राम से इसको समझेंगे कैसे असेंडिंग ऑर्डर होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ सी द डायग्राम. लाइक द स्टेयर. स्टेयर मीन्स एक सीढ़ी. फर्स्ट स्टेप, द हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप इज सपोज द हाइट ऑफ सेकेंड स्टेप इज लाइक दिस, एंड नेक्स्ट द हाइट ऑफ थर्ड स्टेप इज लाइक दिस, एंड नेक्स्ट वी हैव द हाइट ऑफ फोर्थ स्टेप. Like this, this diagram shows the smallest to greatest. ये diagram क्या दिखा रहा है कि हम छोटे से बड़े होते जा रहे हैं, means या फिर छोटे से बड़े की तरफ इधर आगे बढ़ रहे हैं. Okay student, ऐसे ही ascending order में भी हम क्या करते हैं, किसी number को छोटे से बड़े तक लिखते हैं. Suppose ये first column में आपके पास सबसे छोटा नंबर लिखेंगे हम लोग. लाइक फर्स्ट में मान लीजिए 1 है, और सेकंड में हमारे पास 2 है उससे बड़ा हो गया, थर्ड में हमारे पास 3 है उससे बड़ा हो गया, अब और उससे बड़ा हो जाएगा 4, देन और उससे बड़ा मीन्स द 5. ठीक, इस मीन्स हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जा रहे हैं. ठीक है, मीन्स हम क्या करें, एज द स्टेयर में हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं. ये फिगर क्या दिखा रहा है हमें, असेंडिंग ऑर्डर. ठीक, अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम देखेंगे. इस नंबर ले लेते हैं हम एग्जांपल के लिए, लाइक 5, 6, 4 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर वी हैव 2, 5, 3, 5, 2, एंड वन मोर नंबर वी हैव 7, 9, 4 सॉरी 8, 9, 4 आई विल टेक वन मोर नंबर 3, 5, 4 लाइक दिस. वी हैव टू फोर नंबर एंड हैव टू राइट दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. लेट्स वी सी. ऑलरेडी वी नो हाउ टू कंपेयर द नंबर, विच नंबर इज स्मॉलेस्ट और विच नंबर इज ग्रेटेस्ट, कौन सी संख्या छोटा है और कौन सी संख्या बड़ा है, ऑलरेडी हमें पता है. Okay, so we write it in ascending order, like 5. अब इसका ascending order क्या होगा, first so we have to find out the smallest number in them. सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है वो find करेंगे. Here the 300
500 300 800 and 300, 500 300 800 300, मीन्स आप देखिए 5 तो बड़ा होगा, 8 बड़ा होगा, उससे छोटा क्या हो सकता है, 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 है। अभी दोनों 52 एंड 54, इन दोनों में सबसे छोटा 52, देन फर्स्ट यू विल राइट द 352, सबसे छोटा है। अब इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 354, अब इससे बड़ा 564, एंड उससे भी बड़ा 894, देन वी राइट इट लाइक। सो फर्स्ट नंबर वी राइट इन असेंडिंग ऑर्डर 352, 352, अब इससे बड़ा क्या होगा, 354, देन नेक्स्ट 564 कॉमा एंड नेक्स्ट नंबर है 894। सो दिस नंबर इज नाउ इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हम इस नंबर देख सकते हैं, सबसे पहले छोटा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मीन्स ये कौन से ऑर्डर में हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में। So now students, we see the next heading, we have descending order. If we write the given number from the greatest to smallest, then the order is called descending order. It is just opposite to the ascending. Ascending mein kya tha, smallest se greatest ja rahe the. Ab descending order mein kya hoga, hum log ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट मीन्स बड़ा, स्मॉलेस्ट मीन्स छोटा, और बड़े से हम लोग छोटे ऑर्डर में आएंगे। अगेन नाउ वी टेक द एग्जांपल, इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर। Like first we have to see the figure like this. अब क्या हो रहा है इस फिगर में, हम क्या देख रहे हैं कि हम ऊपर से डाउन की तरफ आ रहे हैं, ठीक। इट मीन्स द हम लोग ग्रेटेस्ट से क्या हो रहे हैं, स्मॉलेस्ट के तरफ आ रहे हैं। तो ये जो हमारा ऑर्डर होगा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, इट मीन्स फ्रॉम द इस प्रकार से, मीन्स द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे पहले बड़ी संख्या होगी, उससे छोटी, उससे छोटी और उससे छोटी हम लोग चले जाएंगे। लाइक सबसे पहले ऊपर क्या हो गया हमारे पास 5, और नीचे हो जाएगा उससे कम 4, उससे छोटा 3, और उससे छोटा आ जाएंगे हम लोग 2, और उससे छोटा इज द 1। लाइक हम क्या करें, बड़े से छोटे, सबसे पहले 5 बड़े संख्या है, छोटा है 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, और 2 से भी छोटा हम आ गए 1। ओके, अब सेम हम ये ऊपर वाला एग्जांपल ले लेंगे जो हमने असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है, उसी एग्जांपल को लेकर के हम करेंगे, ठीक। उसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे 564 35
टू एट नाइन फोर एंड थ्री फाइव फोर, थ्री फाइव फोर। अब इस नंबर को हम किस में लिखेंगे? इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। हियर वी विल राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट्स वी सी। अब इसमें सबसे बड़ा संख्या, तभी इसमें हम कंपेयर कर रहे थे सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा संख्या हमारे पास क्या है? 894, 894। देन उससे छोटा क्या हमारे पास है? 564, 564। अब इससे छोटा होगा हमारे पास 354, और सबसे छोटा 352। अब ये जो नंबर हम लिख दिए हैं ये किस ऑर्डर में आ गया है? ये है हमारे पास ये नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की ये टॉपिक क्लियर हो गई होगी।